प्रधानमंत्री आवास योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में जिला कांगड़ा ने पूरे देश में पहला स्थान झटका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 महीने के भीतर विभाग को 776 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे जिला विकास ग्रामीण अभिकरण कांगड़ा ने रिकॉर्ड समय 3 महीने में पूरा किया। जिला कांगड़ा का मुकाबला उड़ीसा के संभलपुर जिला से था, उसे पछाड़कर पूरे देश भर में पहला स्थान झटका है। 21 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित होने वाले सिविल सर्विस डे के मौके पर प्रधानमंत्री जिला को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिला कांगड़ा को देश भर में पहला स्थान मिला है। जिला कांगड़ा को दिल्ली में आयोजित होने वाले सिविल सर्विस डे के मौके पर 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग के उपनिदेशक मुनीश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 महीने के भीतर विभाग को 776 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे जिला विकास ग्रामीण अभिकरण कांगड़ा ने रिकॉर्ड समय से पहले पूरा किया। उन्होंने बताया कि सभी ब्लॉक्स के बीटीओ ने इस योजना को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मनीष शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को घर बनाने का मौका मिल रहा है, जिससे उनके घर बनाने के सपने पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खासियतें थी वो पहले भी योजनाएं आवास की चलती थी, लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें खासियत थी, इसमें जियो टैगिंग का प्रावधान था। इसमें इंस्टॉलमेंट जो थी वो MIS के माध्यम से बेनिफिशियरी के खाते में सीधी जाती थी। टारगेट जो थे वो SCCC डाटा से उठाए गए थे। इन सब चीज़ों से ये जो थी एकदम नई योजना थी, और इसमें चुनौतियाँ भी बहुत थी। इस कार्य को पूर्ण करना बहुत मुश्किल था। हर सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि जो लोग हमारे जो स्टाफ है सबॉर्डिनेट ऑफिस में जो काम करेगा उसको ट्रेंड करना, उसके ये सुनिश्चित करना कि वो मकानों की देखरेख जो बन रहे हैं उनकी क्वालिटी क्वांटिटी कैसे इंश्योर करनी है, क्योंकि गरीब आदमी का मकान जो है ज़िंदगी में एक बार ही बनता है, और जो खुशी होती है गरीब आदमी की मकान बनने पे वो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं उपलब्ध करवा सकता है। तो हमें लगा कि एक तो लोगों का भला भी हो जाएगा इसमें, और दूसरा जो हमारा लक्ष्य है उसको भी हम आसानी से पूरा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने की मंजूरी का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के तहत किया गया है। जिन परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है उन परिवारों को 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपये की राशि जारी होती है। पिछले 2 वर्षों से केंद्र सरकार हर जिले के गरीब परिवारों को तय राशि जारी कर रही है। पंचायत कनवासी हूँ, और मुझे प्रधानमंत्री योजना के तहत से पैसा मिला है, और मैं बड़ा खुश हूँ और मिलना चाहिए गरीबों को। मैं प्रधान ग्राम पंचायत नरवाना खास बहादुर सिंह, हमारे गांव से 2 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेंक्शन हुए हैं, जो गरीब लोगों के लिए आर्थिक सहायता की बहुत अच्छी सुविधा है। हम सरकार से और चाहेंगे कि ऐसी योजनाएँ लगाई चालू की जाएं, जिससे गरीब लोगों को अच्छी से सहूलत मिल सके। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।